देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर में आज परशुराम जी की जयंती दिल्ली रोड स्थित रेजेंसी गार्डन में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें दीपांकर जी महाराज मौजूद रहे। उन्होंने भक्तों को परशुराम जी के बारे में बताया। वहीं दीपांकर जी महाराज ने कहा कि 3-4 दिन पहले मेरा जयंती में आने का विचार कर रहे थे, तो धमकी मिली कि अगर सहारनपुर में आए तो अच्छा नहीं होगा, जान से मार दिया जाएगा। सत्ता के केंद्र में कौन है? साधु। और सड़क पर तड़प रहा है वो कौन है? साधु। सत्ता के केंद्र में साधु तड़प रहा है वो साधु। बताइए कि सुरक्षा किसको दोगे? साधु को। बताइए कि सुरक्षा किसको दोगे? अपराधियों को। बताइए कि सुरक्षा किसको दोगे? उन्नाव और कटरा कांड वालों को, या उनको दोगे जो साधु है, ब्राह्मण है, समाज के लिए काम कर रहे हैं? ना कि सिर्फ 8 साल से जब से संन्यास लिया है तब से ब्राह्मणों के कार्य में जुटा हूं, मगर मुझे दुख इस बात का होता है जब ब्राह्मणों की बात आती है तो इससे पिछली जो सरकारें थी उन्होंने भी आंखें पिछली थी, और अगर जो आंखें नहीं पिछली तो संस्कृत भावित खाते होकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अगर सरकारें आंखें नहीं पिछली, ब्राह्मण संस्कृत विद्यालयों से, संस्कृत विद्यालयों का क्या किया गया? 100 ब्राह्मण बच्चे और एक मास्टर, 100 ब्राह्मण बच्चे और एक मास्टर। और जहां तक मेरे अपने गुरुकुल की बात है, देवघर में जो है वहां तो भाई साहब मास्टर की सोचिए एक पार्टी भी है, JDU, मतलब जाओ और ढूंढो उसे। JDU का मतलब होता है जाओ और ढूंढो उसे। मैं बहुत दूर तक ढूंढता हूँ मेरे संस्कृत विद्यालयों में मास्टर ही नहीं दिखते। और फिर बात करते हैं JDU में वैदिक कोर्स प्रारंभ करने की। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।